सो वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स सानी, सानी की तरफ जा रहे हैं हम। हम आगे की तरफ बढ़ते हुए इस वक्त दानियाल अहमद साहब इस वक्त ग्रीन वादियों में ग्रीन टी शर्ट पहन के भागते हुए इन खड़ी पहाड़ियों पे इस वक्त काफी मुश्किल हो सकती है, ध्यान से चढ़ना होगा यहाँ से ऊपर। दानियाल साहब आप खतरे से खाली ये जगह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर दानियाल साहब को खतरे से खेलने का शौक है। वीडियोग्राफी के लिए मुझे भी ये खतरा लेना ही पड़ेगा। और वन मोर वॉलंटियर विद अस मिस्टर अजहर अहमद गजाली इज आल्सो विलिंग टू कम विद अस एंड ही इज आल्सो विलिंग टू टेक रिस्क। वी आर एट द टॉप, हम इस वक्त खड़ी स्टीप पादियों में हैं। यू कैन सी मिस्टर तैयब अहमद एंड मिस्टर खालिद अहमद इज कमिंग। काफी इको है यहाँ पर और ये ग्रीन वादियों को एंजॉय करते हुए, ग्रीन मैदानों को एंजॉय करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। नेचर ऑल अराउंड, पहाड़ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हवा चल रही है बहुत ताजी है, तो ब्यूटीफुल है। वहाँ से आते हुए थोड़ा डिफिकल्ट था नीचे से यहाँ तक, जो जैसे ही हम उधर आए यहाँ के जो नज़ारा है, जो हवाएं चल रही हैं और ये हरियाली, इनको देख के मतलब जो शांति सारी खत्म हो गई एकदम। इज वेरी क्रेजी, I am crazy climber, you can say. Hey guys, I am ready to climb the Mount Everest at this moment. I have such a extent of charge that can produce spark, which is useful for me to climb the top of the Mount Everest at this moment. You know. तो आप energy देख सकते हैं इस वक्त। इस वक्त चढ़ते हुए ऊपर की तरफ सारी टीम हमारी काफी ही जोश में है, सब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। सो सर जफरुल्ला साहब आप बताएं हमें कि यहाँ तक आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, एंजॉय कर रहे हैं जी और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्त रहा, एकदम फैंटास्टिक। बिल्कुल रिस्क तो है ही, रिस्क उठाएंगे तो ही मजा आएगा। जितना जितना रिस्क आ रहे हैं हम यहाँ पे, तो आप यहाँ तक आए होंगे मैक्सिमम खटोला तक और आप यहाँ से आगे पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं, बड़ा मजा ही आ रहा है। देख लो ऊपर ये लोग कहाँ तक चले गए आनंद के चक्कर। मुझे ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं ऊंचाई को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। 6 बोतलें तो घटक चुके हैं इसलिए शायद डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और अब तो उनकी जगह पानी भर लिया है हमने उसमें। लेकिन जितना ही ऊपर आते जा रहे हैं उतनी ही सीनरी और ब्यूटी जो है वो बढ़ती जा रही है। आई थिंक दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। हमारे सामने जो जगह है यहाँ पे सबसे हम हाइट पे हैं, ऊपर के पहाड़ हिमालयन रेंज जो है यहाँ पे वो स्नो है, पीर की गली आप बता रहे थे अभी जी, वो तो बहुत हाइट पे है, लेकिन अगर हम यहाँ पे उनसे लो जाए हमारे जो आस पास के पहाड़ है विद इन 10 किलोमीटर रेडियस, हम ये कह सकते हैं कि हम इस वक्त हाईएस्ट हाइट पर हैं, काफी हाइट पर हैं। तो हम इधर लकड़ियाँ ढूंढने के लिए आए थे, हमें बहुत ही खूबसूरत जंगल मिला इधर, थोड़ा सा थोड़ा हम इस साइड आए हैं।
खाना भी हमें बनाना है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है। तो सर कैसा एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे कुकिंग का, कैसा? बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने भाइयों के लिए, फ्राई मीट का देख सकते हैं आप इस वक्त ये तैयार किया जा रहा है और ये पीसेस हैं तमाम किया जा कुछ रहा है। इधर भी पड़ा है हमारे पास और इधर जो फ्राई हो रहा है ये दिखा, फ्राई भी हो रहा है बीच में, ये दिखा सकते हो आप, देख सकते हैं काफी मजेदार। अभी मैंने टेस्ट करके देखा है, काफी मजेदार है। इसका कलर देख लो, बिल्कुल जबरदस्त। तो हम इस वक्त खाना वगैरह भी तैयार हो चुका है और आग जली हुई है, सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर अंधेरा है और हम खुले आसमान के नीचे हैं। इस वक्त रात को हमें तेंदुआ एक नजर आया है काफी दूर, लाइट लगा रहे हैं, अभी कुछ दिखेगा नहीं लेकिन आपको। तो गाइस इस वक्त 2 बज चुके हैं और हम अभी भी सतर्क हैं, अब कोई भी मुझे लगता है सोने वाला नहीं है। हथियार भी देख सकते हैं आप, जैसे अब हमने ले लिए हैं और डंडे वगैरह जो भी है हमारे पास, अपनी सिक्योरिटी के लिए हम ये करना पड़ेगा। दिस इज द तेंदुआ डांस, तेंदुए को डराने की कोशिश। इस वक्त 3:30 बज चुके हैं, पूरा इस वक्त रखा जा रहा है, सर्विलियंस रखा जा रहा है इस वक्त। और यहाँ पे देख सकते हैं आग की चिंगारियाँ उठ रही हैं और लाइटें जल रही हैं, टॉर्चें हर एक ने हाथ में पकड़ी हैं और हथियार भी पकड़े हैं जो थे हमारे पास छोटे मोटे। फोकस हो रहा है और देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं तेंदुआ वगैरह फिर से ना आ जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, सो हम उठ चुके हैं, अब देख सकते हो सूरज इधर से निकल रहा है और ड्यू ड्रॉप्स आप देख सकते हो इस वक्त घास पे, कितनी ही प्यारी लग रही है और काफी ठंडा मौसम है यहाँ पर। इस वक्त हम वापस निकले हैं यहाँ से, तो इन हसीन वादियों से हम वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बर्फ से लदे पहाड़ और ये हरी भरी वादियाँ। इस टाइम बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और जंगल के बीचों बीच हम भागे जा रहे हैं वापस। इस वक्त हम घने जंगल में हैं और बारिश भी हो रही है और काफ़ी स्लिप भी है और हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ। हम देखते हैं, ये देख सकते हैं आप कितना तेज़ भागना पड़ रहा है हमें। ये हमारे साथी, इनके अंदर आदिवासी आत्माएं आ चुकी हैं। ओ हो वो देख सकते हैं इस वक्त बड़ी मुश्किलों के साथ ही आ रहे हैं। किसी ने कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? अरे अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। सही नजारा हो गया यार। तो सर कैसा रहा बारिश का अनुभव बताइए ऊपर? बहुत अच्छा। एक्चुअली ये इवेंट्स जो होते हैं, इन इवेंट्स का अपना ही मजा, ये भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें इनको एंजॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत मजा आया। और इस तरह का टूर हमारा, इससे पहले जो हमारे टूर होते थे मौसम ठीक रहा, लेकिन इससे इसका जो हमने एंजॉय किया है उसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। इतना एंजॉय किया है कि हमारे मन में 2 लड्डू के बजाय 4 लड्डू फूट रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। हमारे अंदर दिमाग प्रोड्यूस हो रही है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो तो हमारे से कनेक्शन लेके वो बल्ब जला सकता है। तो देख सकते हैं आप अभी भी बारिश पड़ती हुई, और बारिश आ चुकी है और हम आगे बढ़ते हुए, आधा काफिला हमारा जो आधे साथी थे वो ऑलरेडी आगे चले गए हैं। ये देखिए इनोवेशन देखिए आप, मुंडी को बाहर निकाला, थर्माकोल को काट के, दिस इज इनोवेशन।